यूक्रेन की राजधानी कीव से 500 किलोमीटर दूर लवीव शहर में करीब भारत के 50 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। मेरा नाम पुलकित श्रीवास्तव है, मैं टेर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और फिर अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। कल सुबह 3 बजे से हम लोग खड़े हैं और यहाँ अभी तक हम लोग बॉर्डर पास नहीं कर पाए। इनको कितना भी बोलो गिर रहा हो लेकिन ये लोग गेट खोल नहीं रहे, लेकिन फिर भी ठंड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है हमसे। क्या करें, लाचार हैं सब। इनमें से अधिकतर पंजाब, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के हैं। ये सभी लवीव के एक हॉस्टल में रुके हुए हैं। युद्ध शुरू होने के पहले ही इन्होंने राशन खरीद लिया था और अब खुद ही बना और खा रहे हैं, लेकिन खाना एक बार ही बनता है क्योंकि राशन ज्यादा नहीं है। इन्हीं में से एक स्टूडेंट शुभम पाठुले ने अपने दर्द को बयां किया। शुभम का कहना है कि हमारे हॉस्टल के पास ही एक चर्च है, उसके बेसमेंट को बंकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही कोई खतरे की आशंका होती है तो सिटी पुलिस सायरन बजाती है। सायरन की आवाज आते ही सभी को हॉस्टल से निकलकर बंकर में जाना पड़ता है। ग्रुप में करीब 8 लड़कियां भी शामिल हैं। बार बार बंकर में घुसना, निकलना और फिर हॉस्टल में डर कर रहने से कई स्टूडेंट्स मानसिक तौर पर बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। जिस एरिया में ये ग्रुप फंसा हुआ है वहाँ का टेम्परेचर -4 डिग्री तक पहुँच रहा है। स्टूडेंट्स एम्बेसी से लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी हॉस्टल में ही रुकने को कहा जा रहा है। वहीं हॉस्टल में फंसे स्टूडेंट्स का कहना है कि ईरान, इराक के हमारे दोस्तों को उनकी सरकार यूक्रेन से ले गई। उनकी सरकार ने अपने लोगों को निकालने के लिए फाइटर प्लेन भेजे थे जो सीधे कीव में उतरे और फंसे हुए लोगों को निकाल ले गए, लेकिन हमारी सरकार कीव में फ्लाइट नहीं भेज पा रही है। वहीं यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एम्बेसी के कहने पर हम लोग रोमानिया बॉर्डर आ गए थे लेकिन यहां हमारी मदद के लिए कोई नहीं है। बॉर्डर पर -5 डिग्री के टेम्परेचर में 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। इसमें भारत के साथ ही दूसरे देशों के स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।